वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे देश के बारे में जिसकी सीमा डिसाइडेड नहीं है, वो दुनिया में जितना चाहे कब्जा करे वो कर सकता है, और वो देश है ये छोटा सा देश इज़राइल। ये आज़ाद हुआ था 1948 में, और आज़ाद होने के बाद में ये बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है। आज भी इंडिया जैसे जो देश है यहाँ पर है ना, ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट है इज़राइल के ऊपर। सऊदी अरब पूरी तरीके से वेपन्स के मामले में डिपेंडेंट है इज़राइल के ऊपर। अब यहाँ पर है ना, पूरी तरीके से डिपेंडेंट होने की वजह से इज़राइल पूरी बहुत ज़्यादा कंट्री के वेपन्स को कंट्रोल करता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इज़राइल की पूरी हिस्ट्री के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट। तो इज़राइल के यहाँ पर है ना, पहले क्या था, यहाँ पर आता है हमारा वर्ल्ड वॉर टू से। मैं पहले स्टार्ट करना चाहता हूँ वर्ल्ड वॉर टू में। ये है जर्मनी, जर्मनी में एक यहाँ पर इंसान था एडोल्फ हिटलर, सब लोग जानते हैं इस इंसान के बारे में। एडोल्फ हिटलर जो था ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी दुश्मनी थी यहूदियों से। पहले देख लेते हैं इतनी ज़्यादा दुश्मनी क्यों थी भाई। तो यहाँ पर है ना एडोल्फ हिटलर जो वर्ल्ड वॉर वन में यहाँ पर है ना लड़ाई कर रहा था एक सैनिक के तौर पर। उस टाइम पर उसकी कुछ पावर नहीं थी, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर वन में ये लड़ाई कर रहा था ना, तो पूरी तरीके से यहाँ पर है ना इसको लगी थी भयंकर गोलियाँ। अब ये एक जगह पर जाकर रुक गया। अब जगह पर रुकने के बाद में वो था यहूदियों का घर, और उन लोगों ने यहाँ पर है ना इसको बेहोश कर दिया एडोल्फ हिटलर को, और दे दिया यूनाइटेड किंगडम के लोगों को। अब इन लोगों ने पकड़ के बहुत अच्छे से मारा एडोल्फ हिटलर को, तब से इसको यहाँ पर है ना मन में बैठ गया कि ये यहूदियों को बर्बाद करना है। और दूसरी बात इसकी थी कि जितने भी यहाँ पर है ना लोग थे हमारे यहूदी में जर्मनी में बसे हुए थे, वो यूनाइटेड किंगडम है इसको सपोर्ट किया करते थे, और जितने भी यहाँ पर है ना जर्मनी में रहने वाले लोग थे उनके खिलाफ थे। अब इसको देखकर यहाँ पर है ना जर्मनी एडोल्फ हिटलर के मन में बैठ गया कि भाई बर्बाद करना है तो करना है, यहूदियों को मार डालना है, नंगनाश करना है भयंकर। अब यहाँ पर है ना ये जब ये बन गया वर्ल्ड वॉर टू में जर्मनी का चांसलर, तो इसने यहाँ पर है ना क्या किया, ये जो यहूदी हैं इनका कत्लेआम चालू किया, बहुत ज़्यादा मारा यहूदियों को। अब इसको देखकर यहाँ पर है ना अमेरिका और ये यूनाइटेड किंगडम सामने आ गए, वो बोला कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर है ना एडोल्फ हिटलर को जवाब दिया मारता गया। अब जब एकदम बदतर हो गई यहूदियों की हालत, तो उन लोगों ने यहाँ पर है ना वर्ल्ड वॉर टू में हिटलर को मार डाला। और फिर उसके बाद में जब गए तो पूछा यहूदियों से कि तुम कौन से यहाँ पर एरिया के रहने वाले हो, तो उन्होंने बताया यहाँ पर एक छोटा सा देश है आज फिलिस्तीन, वहाँ की एक एरिया है जेरूसलम, वहाँ पे हम रहने वाले हैं, और फिलिस्तीन एरिया हमको जो फिलिस्तीन रह रहा है वो एरिया हमको दिला दिया जाए, हम वहाँ पर सुखी सुखी रह लेंगे। तो यहाँ पर है ना ये बोल दिया गया। और फिर यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, उस टाइम पर अमेरिका ने एक संगठन बनाया था UNO, आज भी संगठन चल रहा है किसी भी देश को बर्बाद करना ना, बहुत देशों को इसने बर्बाद किया है। जैसे कि आप देख लो सीरिया को, इराक को, सद्दाम हुसैन को इसने ही मारा, सीरिया में असद बल असद की सरकार यहीं पर टिकी हुई है। तो UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये UNO बर्बाद करने के लिए काम आता है। तो ये UNO ने क्या बोला, रातों रात 25 लाख लोगों को बेघर कर दिया। 25 लाख मुस्लिम जो फिलिस्तीनी मुस्लिम थे उन्हें रातों रात रेगिस्तान में ढकेल दिया, और जो जितना भी उन लोग एरिया में रह रहे थे गांव कचरा उसको एरिया में पूरी तरीके से जो यहूदी थे उनको सेटल कर दिया, और 25 लाख लोगों को रातों रात रेगिस्तान में ढकेल दिया। ये फिलिस्तीन के साथ किया गया। अब इसके पहले यहाँ पर है ना इतना भयंकर इन्होंने हाल किया था हमारे इसराइल के साथ में, हमारे फिलिस्तीन के साथ में। इसको देखकर यहाँ पर है ना पूरी जो मुस्लिम कंट्रीज थी वो भड़क गई और बोला कि हम तुम्हें मारेंगे। लेकिन फिर इसने वॉर भी की, ये 6-day war के नाम से आप जान सकते हैं इसको, 6-day war, 6 दिनों में 6 देशों को यहाँ पर है ना इसराइल ने मारा था, थोड़ा डेवलप होकर थोड़े टाइम के बाद, सालों के बाद। अब यहाँ पर है ना कैसे वो जीता, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA, इसने उसकी भरपूर मदद की, उसे हथियार सप्लाई किया, सबको सप्लाई किया, और सप्लाई करने के बाद में इसराइल हो गया पावरफुल, इसने सारे देशों को धो दिया। अब 6-day war में इसकी वजह से जीत गया। इसमें यहाँ पर है ना इसराइल ने देखा जब डेवलप हो गया तो उसने देखा कि अब इसको यहाँ पर है ना पूरे मिडल ईस्ट में, ये मिडल ईस्ट में बस 2 ही देश हरा सकते हैं, पहला तो इजिप्ट, दूसरा ईरान, क्योंकि ईरान के पास अच्छी मिसाइल्स थी, और उसके साथ यहाँ पर जो इजिप्ट है, इजिप्ट में यहाँ पर है ना बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। अब इसको देखकर यहाँ पर जो ये इसराइल है भड़क गया। अब इसराइल ने वॉर कर दी इजिप्ट के साथ, इजिप्ट में इसने वॉर की, बर्बाद कर दिया पूरे इजिप्ट को लिटरली, और इजिप्ट को बर्बाद करने के बाद एक एरिया इसने कैप्चर कर लिया इसराइल ने, ये त्रिकोण द्वीप के नाम से जाना जाता है, छोटा सा एरिया है, इसे पूरा कैप्चर कर लिया, और इजिप्ट को बोला त्रिकोण द्वीप अगर मैं तुम्हें वापस कर दूंगा बदले में तो मेरे काम कर देना, ये त्रिकोण द्वीप के बदले में हम दोनों कुछ समझौते कर लेते हैं। पहला समझौता तो ये होगा कि यहाँ पर है ना हम दोनों कभी दुश्मनी नहीं करेंगे, एक दूसरे से कभी लड़ाई नहीं करेंगे, उसके साथ में जब भी मुस्लिम कंट्रीज और मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज के साथ में इसकी वॉर होगी तो कभी भी इसराइल यहाँ पर है ना इसके खिलाफ में लड़ाई नहीं करेगा। इसके बदले में यहाँ पर है ना जो इसराइल है इसने जो त्रिकोण द्वीप है इसे वापस कर दिया।
इसके बदले में यहाँ पर है ना इसराइल ये इजिप्ट सारी शर्तें मान गया और उसको त्रिकोण द्वीप वापस मिल गया। ये यहाँ पर है ना त्रिकोण द्वीप है, ये है सुएज नहर और ये इसराइल है। तो ये मेन चीज़ें थी इसकी। अब ये इसराइल फिर डेवलप करता गया। अब इसने आईपीएल भी खेला है इसराइल ने। अब देखो ये इसराइल है, आई पी से आता है फिलिस्तीन, एक तो हो गया इसराइल दूसरा फिलिस्तीन, इन दोनों का बंटवारा कराया गया। कहाँ पर? एक लंदन में रहते रहते इन लोगों ने बंटवारा करा दिया, खेल दिया आईपीएल। इसराइल ने फिलिस्तीन और लंदन से बंटवारा करा दिया, आईपीएल खेल दिया इन लोगों ने भयंकर वाला। अब ये देखते हैं यहाँ पर है ना आज भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। अब यहाँ पर पहले इसकी मेन हिस्ट्री देख लेते हैं कि इसराइल की थोड़ी है क्या। तो सबसे पहले 48% इसको दिया गया था हमारे इसराइल को, 48%। और 48% के बाद में जेरूसलम बोला गया, जेरूसलम जो है जेरूसलम ये यहाँ पर है ना यूएनओ कंट्रोल करेगा और इसके बाद में जितना भी एरिया बचेगा ना वो फिलिस्तीन वाले ले लेंगे। नॉर्मली बोले तो रेगिस्तान फिलिस्तीन वाले ले लेंगे और बचा हुआ जितना भी एरिया है ना वो सॉरी 48% जो रेगिस्तान था वो फिलिस्तीनों का होगा और जो जेरूसलम होगा ये इन लोगों का होगा, यूएनओ वालों का होगा। बचा हुआ जितना भी एरिया होगा वो रखेंगे हमारे इसराइल साहब। अब यहाँ पर है ना ये जो जेरूसलम है, जेरूसलम यहाँ पर रहना, देखिए ये तीन धर्मों का पवित्र स्थल है। पहला तो मक्का, ये इस्लाम का, इस्लाम में मस्जिद अक्सा यहीं पर बनी है। क्रिश्चियंस में बोला जाता है कि यीशु जो गॉड ऑफ सन है, सन ऑफ गॉड है, तो यहाँ पर है ना वो यहीं पर पैदा हुए थे। और उसके साथ में तीसरी बात ये आती है कि यहाँ पर है ना जो ये यहूदी है इनका यहाँ पर है ना मूल निवासी यहीं के हैं। ये देखा ये इन लोग का बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब जेरूसलम इसे कंट्रोल कर लिया, इसको देखकर ये लोग और चढ़ गए, मेन वॉर हो गई। अब इसका अगला जो निशाना है, मेनली बस एक ही इनका निशाना बचा है, वो है ईरान। अब ईरान अगर इन लोगों ने बर्बाद कर दिया तो एक काम हो जाएगा इनका। और दूसरा पाकिस्तान, पाकिस्तान के पास और ईरान के पास। अब देखो ईरान ने बना लिया न्यूक्लियर बम, पाकिस्तान तो बना ही चुका था। पाकिस्तान ने बोल दिया कि न्यूक्लियर बम बना दिए, अब आ जाओ तुम इसराइल आ जाए, पाकिस्तान से लड़ने आ जाएगा। ज़्यादा कुछ करने की कोशिश की, परमाणु बम गिरा देगा। पर ये इन दोनों के पास अच्छी खासी मिसाइलें भी रखी हैं, मिसाइल और टैक्टिक्स रखी हैं ईरान के पास। अभी अगर ईरान से पंगा लेने आएगा ईरान परमाणु बम गिरा देगा, पाकिस्तान से पंगा लेने आएगा पाकिस्तान परमाणु बम गिरा दिया। और अगर कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम मिसाइलें तो गिराएंगे गिराएंगे। वॉर करने के लिए इनके पास अच्छी खासी टैक्टिक्स भी है, वर्ल्ड में इंटरनेशनल सपोर्ट भी इनको अच्छा खासा मिल जाएगा रशिया की तरफ से और चाइना की तरफ से। नॉर्मली इतना सब कुछ यहाँ पर है ना ईरान और पाकिस्तान को मिल जाएगा सपोर्ट अच्छा खासा, मतलब नॉर्मली इनका। अब ये सब यहाँ पर है ना वॉर्स की वजह से इसराइल अभी पूरी तरीके से दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन अभी भी सरवाइव कर रहा है और इंडिया से ज़्यादा डेवलप भी है। इसके पास एक बहुत अच्छा यहाँ पर है ना डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा पावरफुल डिफेंस सिस्टम है और ये जो आयरन डोम है ना ये पूरी तरीके से ये हम लोग के इसराइल की रक्षा करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसराइल की मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।